नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। यदि आपको बिजली से संबंधित कोई भी समस्या है तो आपको दफ्तरों में धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे समस्या बिल की हो या फिर लाइट की। आप विभाग द्वारा जारी वेबसाइट और टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत मिलने के बाद कम समय में ही आपकी शिकायत का निवारण करने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 की अवधि चल रही है। लॉकडाउन की पूरी अवधि के दौरान बिजली के बिलों को लेकर और बिजली संबंधित शिकायतों को लेकर उपभोक्ताओं के मन में संशय था, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उपभोक्ताओं के मन में यह डर था कि यदि बिजली चली जाएगी तो ठीक कैसे होगी, क्योंकि कोई भी कर्मी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आम जन मानस की यह धारणा गलत है। लॉकडाउन के पूरे समय में कोरोना योद्धा की तरह बिजली कर्मी भी सड़कों पर डटे रहे। उन्हें जहां से भी शिकायत मिली उसे प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का प्रयास किया गया और लोगों की संतुष्टि भी की गई। दूसरा, इस दौरान लोगों के घरों में एवरेज के हिसाब से बिल भेजे गए थे, जिस कारण लोगों का कहना था कि एवरेज बेस पर बिल लेना गलत है। कुछ लोगों ने अपने बिल को अत्यधिक अधिक बताया है। उनके मन में यह भी संशय था कि वह इतना अधिक बिल जमा नहीं करवा सकते। करनाल में मौजूदा समय में बिजली की क्या स्थिति है, विभाग अपना काम कैसे कर रहा है, कौन कौन से प्रोजेक्ट लॉकडाउन के चलते अधर में है, बिजली चोरी की तो क्या होगा, बिजली कर्मी अपना काम कैसे कर रहे हैं और उपभोक्ताओं को परेशानी से बचाने के लिए विभाग ने क्या रणनीति बनाई है, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए समाचार एक्सप्रेस की टीम ने बिजली निगम के एससी एसके चावला से विशेष बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए एक विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप भी समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस में। आपको बता दूं कि आज हम एक ऐसे कोरोना योद्धा से बात करने जा रहे हैं जो बिजली विभाग के एससी हैं, एसके चावला जी। आपको बता दूं कि कोरोना की बीमारी के चलते इनके द्वारा भी भरसक प्रयास किए गए ताकि लोगों को बिजली संबंधी कोई परेशानी नहीं, खासतौर पर उन इलाकों में जहाँ पर इक्का दुक्का जो करनाल में केस पाए गए हैं उन इलाकों में खासतौर पर इनको आदेश दिए गए थे कि वहाँ पर बिजली की कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। इन्होंने भी दिन रात एक करके कोरोना योद्धा की भूमिका निभाई है। आइए मैं इसे थोड़ा सा और जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर इन्होंने ऐसी ऐसी क्या रणनीति बनाई थी कि बिजली सप्लाई बाधित ना हो। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है चावला जी। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि सर, जैसे कोरोना चल रहा है, आजकल बीमारी है, इस दौरान बिजली बाधित ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है? सर, लॉकडाउन पीरियड के दौरान हमारे जितने भी फील्ड में स्टाफ है सभी को ये हिदायत थी कि किसी की कोई भी कंप्लेंट रहती है तो उसको तो एक तो इमीडिएटली अटेंड करें, और इस दौरान में हम लोगों ने मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ को एकदम से बंद कर दिया था ताकि मेंटेनेंस करने के लिए हमें लाइनें बंद करनी पड़ती हैं। उन लाइनों को ना तो बंद किया गया और एस्टेब्लिशमेंट्स का जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो उनके बंद होने से भी हमारा लोड भी काफ़ी कम रहा, जिसकी वजह से कंप्लेंट्स भी काफ़ी कम आई। और कहीं भी अगर कोई समस्या ब्रेकडाउन की आई भी है तो जो हमारा फील्ड स्टाफ है, असली कोरोना योद्धा तो वो हैं जिन्होंने इमीडिएटली शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड के अंदर में उसको अटेंड किया। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि लॉकडाउन पीरियड के दौरान में हमारी सप्लाई बहुत ही सुचारू रूप से चली है और हम लोग जो भी व्यक्ति लॉकडाउन में अपने घरों में थे उनको बिजली की आपूर्ति करने में सक्षम रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो फील्ड में स्टाफ है उनकी मेहनत की वजह से। देखिए, इन्होंने भी अपने स्टाफ को, अपने फील्ड स्टाफ को कोरोना योद्धा बताया है क्योंकि उन्होंने ही लोगों को परेशानी नहीं आनी थी। सर, आपने कुछ टोल फ्री नंबर भी जारी किए थे, सर उनका कोई फायदा हुआ? टोल फ्री नंबर हमारा 1912 है कंप्लेंट्स लॉज करने के लिए, और इसके बाद इसको ऐड कर दिया गया आपकी बिलिंग की कंप्लेंट्स के लिए भी, कि अगर कोई अपनी बिलिंग की कंप्लेंट्स भी करना चाहे बिना घर से निकले हुए वो इस नंबर पे अपनी कंप्लेंट्स कर सकता है ताकि हम लोग उसको इसी लॉकडाउन पीरियड के दौरान में रेक्टिफाई भी कर पाएँ। सेकेंड, मेरी UHBVN की साइट है UHBVN.org.in,
यहाँ पे भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं आपकी कंप्लेंट लॉज करने के लिए, पावर कंप्लेंट्स के लिए भी और बिलिंग कंप्लेंट्स के लिए भी, और किसी तरह के भी आप कंप्लेंट लॉज करना चाहते हैं, आप अपने घर बैठकर आज भी अगर आप करना चाहें तो अपने घर से ही अपनी कंप्लेंट को लॉज करिए। इमीडिएटली रियल टाइम पे ये मेरे पास आ जाती है, जो कि हम लोग अपने अपने स्टाफ को देके कोशिश रहती है कि शॉर्टेस्ट टाइम में हम उन कंप्लेंट्स को अटेंड करवा पाए। देखिए, उन्होंने बताया कि इनकी एक साइट भी है, एक टोल फ्री नंबर भी है, जो उपभोक्ता हैं वो कम से कम घरों से बाहर निकलें, वो अपनी बिलिंग संबंधी शिकायतें और बिजली आपूर्ति संबंधी शिकायतें उन पर दर्ज करा सकते हैं, और उनका ये प्रयास रहता है कि कम से कम समय में उन शिकायतों को दूर किया जा सके। सर, मैं एक ये जानना चाह रहा था कि जो नए मीटर लगे थे उनमें कंप्लेंट्स आ रही हैं भी मीटर जल्दी से जल्दी ख़राब हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ मीटर्स हमारे एक पास भी रिपोर्ट आई थी कि कुछ मीटर्स ख़राब हुए हैं, स्मार्ट मीटर्स जो हमने रिप्लेस किए थे उनको भी तकरीबन हम लोग 70-75% तो उन मीटर्स को हम रिप्लेस कर चुके हैं, और बाकी के मीटर्स भी विद इन 10 डेज रिप्लेस हो जाएंगे एट द कॉस्ट, हम अपनी कॉस्ट पे उसको रिप्लेस कर रहे हैं, किसी भी कंज्यूमर को उससे कोई भी नुकसान नहीं मिलेगा। चूँकि ये स्मार्ट मीटर्स थे तो इनकी काफ़ी हद तक तो हमारे पास रीडिंग्स भी आ रही हैं, किस लास्ट डेट जिस डेट में भी ये ख़राब हुआ है, फिर हम उसके पीछे चेक कर रहे हैं कि किस डेट तक हमारे पास रीडिंग्स हैं, तो जो ख़राब पीरियड निकलेगा इसमें वो भी करीबन बहुत कम निकल रहा है, किसी के 7 दिन किसी के 10 दिन जिसकी रीडिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अकॉर्डिंगली इनके बिलिंग में भी उस हिसाब से रेक्टिफिकेशन की जा रही है। लेकिन इनका ये कहना है कि जिनके मीटर ख़राब हो चुके हैं या हो रहे हैं वो इनको अपनी शिकायत बता सकते हैं, उपभोक्ता से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये अपने स्तर पर मीटर बदल रहे हैं। 80-90% जो खराब मीटरों की शिकायतें थी वो दूर की जा चुकी है और आगामी 10 दिनों में बाकी शिकायतों को दूर किया जाएगा। सर, एक चीज़ और बताइए, आने वाले दिनों में फसलों का सीजन आने वाला है, उसके लिए सर बिजली आपूर्ति के लिए क्या रणनीति रहेगी, हमारे शहर में कितनी रहेगी, गाँव में कितनी रहेगी? बिजली की कोई कमी नहीं है, शहर में भी उसी हिसाब से बिजली चलती रहेगी जो कि अभी चल रही है। हाँ, अभी कुछ हम लोग मेंटेनेंस कार्य कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें लाइनों को बंद करना पड़ता है, तो आने वाले समय में मैं नहीं समझता कि हमारे को बिजली की किसी तरीके की कोई समस्या आने वाली है। इसी तरह से खेतों के लिए या गाँव के लिए बिजली अवेलेबल है, जो हमारा शेड्यूल है उस शेड्यूल के हिसाब से खेतों के लिए 8 घंटे और गाँव में शेड्यूल के हिसाब से बिजली की आपूर्ति की जा रही है और आगे भी की जाएगी, कहीं कोई कमी नहीं है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कोई राहत है बिजली के बिलों में इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान? लॉकडाउन पीरियड के दौरान में अगर किसी ने अपना बिजली का बिल नहीं भरा है तो उसके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, हर एक व्यक्ति की ऑलरेडी डेट्स एक्सटेंड कर दी गई थी और उसी डेट्स के अनुसार हम लोग बिजली के बिल जमा लोग कर भी रहे हैं और कोई सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। उन्होंने बताया है कि लॉकडाउन पीरियड के दौरान बिल भरने की अवधि को बढ़ा दिया गया था, इसके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लिया जा रहा और ना ही अभी तक लिया जा रहा है। इन्होंने यह भी बताया कि बिजली भरपूर है, खेतों में 8 घंटे दी जाएगी, गाँव में और शहरों में शेड्यूल के हिसाब से दी जाएगी। सर, एक चीज़ और होती है, बिजली चोरी रोकने के लिए अब क्या प्लान किया जाएगा? बिजली चोरी रोकने के लिए हम लोग पहले भी चेकिंग करते रहे और आगे भी चेकिंग हमारी जारी रहेगी, किसी भी उपभोक्ता को हम चोरी नहीं करने देंगे, हमारा प्रयास ही रहेगा। और मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि वो इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करें, और यदि कोई उनकी नॉलेज में आता है कोई व्यक्ति बिजली की चोरी कर रहा है तो वो आप हमें रिपोर्ट करें, उनके नाम भी गुप्त रखे जाएंगे और हम लोग उनको चेक भी प्रॉपरली करेंगे। सर, देखिए, इनका ये कहना है कि बिजली चोरी कोई उपभोक्ता ना करे, यदि आपके आसपास बिजली कहीं चोरी होती है तो आप गुप्त रूप से इन्हें सूचना दे सकते हैं, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बिजली चोरी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, मेरा आप अब लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, जैसे लॉकडाउन 4 का पीरियड चल रहा है, अब लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी अपील ये है कि कम से कम घर से बाहर निकलें, खासतौर से बिजली की कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है मेरी वेबसाइट पे जाएं, वहां पे अपनी कंप्लेंट को लॉन्च करें, वो मेरे तक पहुंच जाएगी, और जो बिजली की पेमेंट्स भी आपने करनी है उसके लिए भी मेरी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, आप उस सुविधा को फ़ायदा उठाएं और घर बैठे पेमेंट करें। उसके लिए आपको मेरे ऑफिस आके काउंटर पे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, घर से भी पेमेंट कर सकते हैं। सप्लाई की आपको हम ना पहले दिक्कत आने दी है और ना अब आने देंगे, सिर्फ मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि आने वाला सीज़न तूफान का रहेगा
जिसमें बारिशें भी रहनी हैं और डस्ट स्टॉर्म भी रहते हैं, तो उसके लिए कोशिश ये की जा रही है कि मेंटेनेंस करें ताकि उस दौरान में जो डिस्टरबेंस रहे आपको शॉर्टेस्ट डिस्टरबेंस रहे। इनका ये कहना है कि आने वाले समय में आंधी और तूफान का सीजन है, बारिश का सीजन भी आएगा, उस समय बिजली आपूर्ति बाधित ना हो इसके लिए मेंटेनेंस का कार्य अब शुरू कर दिया गया। सर मेरे को एक कुछ उपभोक्ताओं से मिली थी कि उनका नया मीटर जैसे खराब हो चुका था, तो इसके लिए ऐसा कोई प्रावधान भी कि पहले उस मीटर को अगर उसका बिल आता है तो पहले उस मीटर को कहीं पंचकूला जो आपका हेड ऑफिस है वहाँ पर उसको अपलोड करवाना पड़ता है पुराने बिल और नए मीटर की फोटो भेजनी पड़ती है, ऐसा कोई प्रावधान भी है? मीटर चेंज हम इमीडिएटली कर देते हैं, उसके बाद तो वो हमारा काम है कि उसको लेजर में जो हमने एंटर करवाना है वो एंटर करवाया जाए, वो तो एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत एंट्री की जाती है। उपभोक्ताओं का ये कहना था कि उनका बिल आ गया, एक्स्ट्रा बिल आ गया, उनका ये कहना था कि एक्स्ट्रा बिल आ गया, लेकिन जब वो डिपार्टमेंट के पास आते हैं तो उनके पास उनको ये कहा जाता है कि आपका जो मीटर अभी तक वो अपलोड नहीं हुआ पंचकूला में और उसको काफ़ी महीने हो चुके हैं इस बात को, तो सर उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, मतलब उनको उपभोक्ताओं क्या करना चाहिए? जो मीटर्स एंटर नहीं हुए हैं तो वो किसी न किसी इशू की वजह से, वो हमारा काम है, हम उसको करेंगे, उपभोक्ताओं को उसमें कोई इशू नहीं आने दिया जाएगा। हाँ, वो अपनी कोई भी ग्रीवेंस को अगर लॉज करना चाहते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे जाके लॉज कर दें, हम लोग उस चीज़ में, अब लॉकडाउन पीरियड के अंदर में पंचकुला में वो ऑफिस हमारा बंद था जहाँ पे ये अपलोड किया जाता है, सही है, समस्या सभी के लिए रही, ऑफिसेज बंद थे, जहाँ पे वर्किंग चल रही थी वहाँ पे मिनिमम स्टाफ के साथ में वर्किंग चल रही थी, तो अब धीरे धीरे स्टाफ अपनी ड्यूटीज़ पर पूरा आ रहा है और वो टेक केयर कर ली जाएगी इशूज़। उपभोक्ताओं को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, जिनके बिजली के मीटर अपलोड नहीं हुए उनके लिए भी राहत भरी खबर यह है कि वो अपनी शिकायत इन तक पहुंचा सकते हैं। आगे इनका काम है, पंचकुला ऑफिस लॉकडाउन के दौरान बंद रहा था जिस कारण समस्या सभी के लिए थी, एक या दो लोगों के लिए नहीं थी, लेकिन अब उनको प्राथमिकता के आधार पर उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। चावला सर एक चीज़ ये बताइए कि आगामी कुछ समय में बिजली की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा करनाल में कोई फीडर कोई ट्रांसफार्मर बढ़ाने का प्रावधान है, पाइपलाइन में मेरे नए सब स्टेशंस की कंस्ट्रक्शन चल रही है, तारों को हम लोग जो बिजली की तारें हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं, अभी रामनगर में काम चल रहा है, पहले सेक्टर 6 के लिए चल रहा था, सेक्टर 12 के लिए, अब 11 केवी के भी काम चल रहे हैं, और कहाँ कहाँ चल रहे हैं 11 केवी का जो सब स्टेशन चल रहा है, मुगल माजरा का सब स्टेशन बन रहा है, अब एक एक तो लिस्ट मैं हैंड ओवर कर दूंगा आपको, उसमें शहर के 11 के फीडर्स की बाइफर्केशन के ऊपर टेंडर हमारा ऑलरेडी वर्क अलॉटेड है, इस तरह से ये हमारे रूटीन के काम हैं जो चलते रहते हैं, हर साल चलते रहते हैं, अब लॉकडाउन की वजह से रादर डिले हो गया, अदरवाइज हमारी प्लानिंग के हिसाब से ये 30 अप्रैल तक हमने काम को पूरा करना था, अब मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी उसी हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर्स के पास पे नहीं हो पा रही है क्योंकि सभी फैक्ट्रीज बंद थी, तो ये थोड़ा डिले हो गया। तो सर नेक्स्ट डेट क्या है, कब तक कंप्लीट होगी? ये तो अब ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर और फैक्ट्रीज जहाँ पे माल आना है उन पे डिफरेंट स्टेट्स में है, वहाँ पे स्टेट्स में क्या कंडीशंस हैं, उन्होंने अलाउ किया हुआ है कि नहीं किया हुआ प्रोडक्शन के लिए, ये धीरे धीरे पता लगेगा, लॉकडाउन 4 के बाद ही एक पिक्चर उभर के आगे आएगी कि हम लोग कब तक इस काम को पूरा कर पाएंगे। मिस्टर चावला जिन्होंने हमें ये बताया कि पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, कई फीडर बनने हैं, कई सबस्टेशन बनने हैं, तारों को बदला जा रहा है, तारों की कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन के चलते इन सारी एक्टिविटीज़ में बाधाएं आ रही हैं, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा सिचुएशन सारी प्रॉपर हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर हो जाएगी तो हर चीज़ प्रॉपर हो जाएगी और उसके बाद इनके ये रूटीन की कार्य लगातार चलते रहेंगे, लेकिन इनका साथ के साथ ये भी कहना है कि किसी भी उपभोक्ता को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो कभी भी इनसे आकर बात कर सकता है, बात भी ना करें घर बैठकर इनको मेल कर सकता है, इनके जो इन्होंने टोल फ्री नंबर जारी की है उन पर अपनी शिकायत दे सकता है, तो वो इस शिकायत को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का प्रयास करेंगे। मैं तरुण मदान सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।